Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी यानी कि उनके दोनों बेटों की मुश्किलें कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। पिछले पेशी में मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में उमर अंसारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सुनवाई के बाद तारीख मिली थी। उमर अंसारी पुलिस के शिकंजे से बाहर है, इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने श्वेता चौधरी जुलाई 15 जुलाई की अगली तारीख तय की है। आचार संहिता उल्लंघन के केस में बीते गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदर विधायक जो हैं मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की पेशी हुई थी, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी द्वारा उस मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी। इस केस में अब्बास और उमर समेत तीन आरोपियों पर आरोप तय किए जाने थे। उमर की पेशी न होने से अगली तारीख जो है वो तय की गई है। विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ थाना कोतवाली और थाना दक्षिण टोला में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 3 जुलाई यानी कि लगभग 2-3 दिन पहले जो है सुनवाई होनी थी। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक अब्बास अंसारी की पेशी की गई। विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी की कोर्ट में पेशी न होने के कारण आरोप तय नहीं हो पाया था। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी के 4 मामलों में ट्रायल चल रहा है। विधायक अब्बास अंसारी के 3 केसों में उमर अंसारी की अनुपस्थिति के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहा है। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उमर के खिलाफ कुल 3 गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। पिछली सुनवाई ने कोर्ट में 4 जुलाई को उमर अंसारी के कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस उमर अंसारी की कोर्ट में पेश कर पाती है या नहीं कर पाती है। जीत के बाद शो किया था। आपको पता होगा कि आचार संहिता केस में आरोप है कि सुभाषपा प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर ने 27 फरवरी 2022 को बिना अनुमति के रोड शो का आयोजन किया था और इस मामले में विवेचना के बाद दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी 10 मार्च 2022 को समर्थकों के साथ अब्बास अंसारी की विजय जुलूस निकालने का आरोप है। देख लेने के बयान भी चर्चा में काफी ज्यादा रहा था। पुलिस की ओर से दर्ज केस में विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंशूर अंसारी आदि के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा गया था। मऊ के विधायक सदर अब्बास अंसारी की विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारी को लेकर देख लेने का जो बयान था वो भी चर्चा में आया था, उसकी वजह से भी एक मुकदमा दर्ज है। तो अब सबसे बड़ी बात जो उमर अंसारी है उनको लेकर है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होते तब तक इस मामले को लेकर सजा तय नहीं होनी है। बाकी इस मामले को लेकर आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद।